झारखंड में चुनाव है और चुनाव को लेकर के हम पहुंच गए हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जो है मखमलपुर दक्षिण पंचायत के एक गांव में। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यहां के स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर? अब्दुल वाहिद। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो इस बार है जयनम का जी। सरकार के काम काज से बहुत हाँ सरकार के काम से बहुत हम लोग खुश हैं। वर्तमान विधायक है न? विधायक से तो हम लोग ना खुश है भाई। हम लोग क्या नहीं आ रहा है, न कोई विकास है हम लोग के पास। बोला कि बहुत विकास काम किया है और जगह किया होगा, मगर हम लोग को इधर तो नहीं किया है। कहा जा रहा है कि राजमहल विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, फूल है, बाल्टी है, तीर है। वो तो है, मैंने कि सबका वोट धनुष चले, तीर धनुष चले। चलिए, क्या नाम सर? यार मोहम्मद। यहाँ वोटर? हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनावी गणित में कौन बैठ रहा है फिट आपके नजर? हम लोग का तो वही तीर धनुष जी। बाल्टी में पानी नहीं भरा? नहीं भरा, बाल्टी फट जाएगा। फूल? फूल टूट जाएगा। फूल की मुरझा जाएगा? मुरझा जाएगा। फूल मुरझा जाएगा। चलिए, क्या नाम ऊंचा नाम? उसुदिया। चलिए, सुल्तान अली। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? सब तीर धनुष का चलेगा, ताजुद्दीन जीतेगा एकदम। क्या कारण है? कायम जी राजा जीतेगा एकदम। कारण है राजा को वोट दे रहे हैं तो क्या सोच कर? हम देख रहे हैं कि बहुत फायदा दे रहा है वो। जी जीता है ये नहीं तो फायदा जीतेगा वो, फायदा देगा। बिना जीता हुआ फायदा दे रहा है। क्या कुछ फायदा मिला? अरे भाई, हम लोग का 60 बार सरकार दिया है वृद्धापिल सिंह। महिला लोग का दे रहा है पैसा 1000 रुपये महीना। महिला लोग बोलते हैं हमको मिल रहा है। हाँ, हमको मिल रहा है। जी मिला, हम उठा लिए पैसा। तो इस बार का जो चुनाव है, क्या लगता है क्षेत्र में विकास काम नहीं? जी विकास कुछ नहीं हुआ। हम लोग देखे ना, रोड सब टूट गया, कैसा करके ढाला। तो बोला कि नया नया पीएम आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क दे, कुछ नहीं दे रहा है, खाली ऐसे ढकसला है। इस बार फूल खिलेगा कि तीर चलेगा कि बाल्टी में वोट चलेगा? खाली तीर चलेगा, फिर चलेगा तो झाड़ धड़ तीर, पूरा तीर चलेगा। जैसा कि ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं, चूँकि चुनाव है, चुनाव के दौरान जनता अपनी बातों को बेबाकी से रखती है। और जो अभी मखमलपुर दक्षिण पंचायत के गांव में जो आम जनता है, उन्होंने कहा कि इस बार माहौल काफ़ी कांटे की टक्कर है। और यहां पर जो स्थिति है, वहां पर कहा जा सकता है कि इस बार तीर धनुष यहां से जो जनता है वो उनको वोट मारने की बात कर रहे हैं। अब आगे कुछ गाँव में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है। झारखंड में चुनाव है और चुनाव को लेकर के जो है हम पहुँचे हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र बथानी दीरा है। और ललबथानी दीरा में कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिराजुल। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार एमटी राजा जीत रहा है। फूल और पानी बाल्टी है वो जाएगा, बाल्टी में पानी नहीं भर रहा है। भरने से क्या होगा? बोला बाल्टी में पूरा पानी भर रहा है। अरे पानी भरने से क्या होगा? पानी भरने से खाली नहीं ना होगा, उसमें कुछ मटेरियल चाहिए। पानी भरने से कोई काम नहीं होगा। चलेगा तीर धनुष? तीर धनुष चलेगा झड़ाम झाड़। गंगा नदी यहाँ फूल बहुत नहीं खिल रहा भाई? गंगा नदी में क्या करेगा? गंगा नदी में क्या करेगा? हमारा मुख्यमंत्री है, मैंने के झारखंड का गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन है जी। तो पूरा जो राज्य सरकार से जो काम जो हुआ खुश है? खुश है, खुश। क्या क्या योजना का लाभ मिला है? हम लोग योजना का लाभ तो अभी तक यहाँ जो बाबा है, बाबा तो हम लोग का कोई लाभ नहीं दिया है, लेकिन हेमंत जो है दिया है लाभ। कुछ लोग और लोग से बात करते हैं। क्या नाम? मोहम्मद हजरत। मोहम्मद हजरत यहीं के निवासी हैं? हाँ। क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल रहेगा? तीर साफ रहेगा, तीर साफ। तो मुकाबला जो कहा जा रहा है कि बीजेपी में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, और तीसरा जो बाल्टी भी आ रहा है? बाल्टी तो ऐसे ही आ रहा है, उसका नहीं है, तीर साफ ही रहेगा। तीर साफ? हाँ। इस बार वोट देना है जेएमएम को? हाँ, जेएमएम को। क्या कुछ लाभ मिला सरकार से? बहुत कुछ मिला है। मिला? हाँ। इस बार जो चुनाव है इसमें पक्का दम तीर चलेगा? हाँ, तीर चलेगा। चलिए, कुछ लोग और से जानते हैं। क्या नाम है? चार नाम बताइए किसका? आप अपना जी? मोहम्मद जिल्लुर रहमान। चुनाव है पता है ना जी? कितना तारीख को वोट है? 20 तारीख को। तब क्या क्या माहौल रहेगा? वही माहौल रहेगा। क्या तीर की फूल की बाल्टी? तीर हाँ, पूरा एकदम तीर चलेगा इधर। हाँ। क्या कुछ मिला है लाभ सरकार की? सब कुछ मिला है, चावल मिलता है,
तो इसके बाद बिजली बिल माफ हो गया, बाकी था लोन, हाँ जितना भी था दूसरे जगह था लेकिन था ना, बाकी वो माफ हो गया। इसके बाद आपको ये मिल रहा है 1000 रुपया महीना मिल रहा है आपके घर में? हाँ मिला है, और फिर मिलेगा 2500 रुपया फिर 2500 मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह, ये झारखंड सरकार की जो योजना मैया योजना, इसका भरपूर जो है लाभ मिल रहा है। कुछ और लोग से जानते हैं, वोटर बन गया आपका? एम जुल्फकार। क्या लग रहा है इस बार, किसको किसका तरफ पड़ रहा भारी चल रहा है? जे एम सर, जे एम एम जी। सरकार के काम काज से खुश हैं? जी बहुत खुश है। क्या करते हैं अभी आप? पढ़ाई करते हैं अभी, अभी पार्ट वन में ग्रेजुएशन में। तो लग रहा है कि इस बार रोजगार मिलेगा सरकार की ओर से? जी रोजगार मिलेगा, और इससे पहले भी खड़ा हुआ था तो हम लोग रही बात सपोर्ट नहीं किए थे, इस बार सोच रहे हैं कि उसी को देंगे। और पहले बार 2019 में किसको दिए? दिए तो सर ऐसा नहीं कि नहीं दिया, दिया है 50% हो लिया है गाँव से। इस बार फुल गारंटी के साथ बोल रहे हैं जे एम एम निकलेगा यहाँ से। और जे एम एम जी निकलेगा। युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में? क्या मुद्दे में अच्छा है सर, और रही बात कि यहाँ पे उसी का चर्चा है, हर जगह चर्चा है। और युवा जो है कह रहे हैं कि चर्चा है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का। देखिए ना अभी तक हम लोग गांव में नहीं आया, एक बार में नहीं आया, 10 साल में एक बार नहीं आया गांव में, नहीं आता है। जब जीत लेता है ना नहीं आता है। मोहम्मद मैनू क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? यहाँ जीत रहा है जी हम लोग का। फूल तीर बाल्टी कौन? बाल्टी फूल बल नहीं, तीर छाप। तीर छाप जी, तीर छाप के कौन उम्मीदवार? एम टी राजा। एम टी राजा को वोट जा रहा है जी। तो चलिए, जो यहाँ के जनता जनार्दन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं और भाजपा के प्रत्याशी, वो जीतने के बाद इस क्षेत्र में आते नहीं हैं। और यहाँ के जो लोग अभी बता रहे थे कि इस बार इधर माहौल जो है काफ़ी कुछ जो है सरकार की ओर जा रहा है, जो सरकार के सत्ताधारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट जा रहा है। आइए, क्या नाम और नाम बताइए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इधर चुनाव को लेकर के? इसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट देंगे तीर को। तीर को जी, फूल को नहीं दे रहे हैं? फूल को देंगे, क्या करेंगे, क्या दिक्कत है? सब चीज महंगाई हो गया, महंगाई इसलिए तीर को दे रहे हैं। हाँ तीर जीत जाएगा, सस्ता हो जाएगा, जरूर सस्ता होगा, जरूर सस्ता होगा। कितना खुश है राज्य सरकार के? 1000 टका महीना में मिलता है। आप बात बोलिए बोलिए, मिला है? हाँ कुछ सब कुछ मिलता है, मैया सम्मान मिला, वृद्धा पेंशन हो गया है। बोला वृद्धा पेंशन बंद करके मैया सम्मान दे रहा है, सही बात है? नहीं नहीं नहीं, वृद्धा पेंशन वाला वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मैया सम्मान योजना मैया सम्मान मिल रहा है, सब यही सब है। जनता जनार्दन है, इनका साफ तौर पर कहना है मैया सम्मान योजना भी 1000 रुपया मिल रहा है तो वही ना अच्छा है सर, लाभ बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। चलिए, यहाँ के जो जनता जनार्दन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो चुनाव का माहौल है वह काफ़ी गर्म है, और जनता जनार्दन है जिनका साफ तौर पर जो सत्ता राज्य की सत्ताधारी पार्टी है उनके पक्ष में दिखाई दे रही है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो चुनावी माहौल है उसमें यहाँ से तीर जो है बाजी मारती हुई दिख रही है।